नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर वेन में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में जहाँ पे पर्सनालिटी टॉपिक को स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आपको आज की चीज़ों को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो पहले बताया गया है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तभी जब आप एक सीक्वेंस में चलेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं और किन किन आधारों पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तित्व के प्रकार, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं उनका वर्गीकरण 400 ईसा पूर्व यानी 400 BC में जो एक हिप्पोक्रेट्स थे, उन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। उन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि पहले, इससे पहले क्या था कि लोग समझते थे कि सिर्फ व्यक्तित्व होता है, लेकिन जब हिप्पोक्रेट्स आए तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि व्यक्तित्व सिर्फ होता ही नहीं है, उसके अलावा व्यक्तित्व के कुछ प्रकार भी होते हैं। जो व्यक्ति हैं उनको उनके व्यक्तित्व के प्रकारों के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बाँटा जाता है। जब उन्होंने इस चीज़ को बताया तो उन्होंने ये वर्गीकरण भी बताया। तो पहले तो हम उनके वर्गीकरण को समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चार चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेम। ये चार चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम इनको समझेंगे कि ये चार चीज़ें हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताई थी। सबसे पहले अगर हम प्रकारों की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ब्लड की। ब्लड यानी कि रक्त, जैसा कि आप अगर हिंदी में बात करें तो ब्लड यानी कि रक्त। लेकिन अगर हम व्यक्तित्व के प्रकारों में आते हैं तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड मतलब उस तरीके के व्यक्ति, यानी जिन व्यक्तियों का प्रकार ब्लड के अंतर्गत आता है, वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं और बहुत ही आशावादी होते हैं। यानी इनके लिए अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो ये सोचते हों कि ये काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ये हमेशा हर चीज़ को आशावादी लेते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर होगा, या अगर ऐसा है तो एक दिन ऐसा अच्छा ज़रूर होगा। यानी हर चीज़ के लिए ये होपफुल होते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति ब्लड टाइप में आते हैं, यानी उनकी पर्सनैलिटी को ब्लड टाइप की पर्सनैलिटी बोला जाएगा। ये मैं हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि उन्होंने किस हिसाब से व्यक्तित्व को बांटा था। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होने की वजह से, प्रसन्नचित्त रहने की वजह से और आशावादी होने की वजह से जो ब्लड टाइप के लोग होते हैं इनको हम आशावादी कहते हैं। आशावादी व्यक्तित्व के लोग या आशावादी प्रकार के लोग इनको कहा जाता है। ये आते हैं ब्लड के अंतर्गत। दूसरा, अगर हम बात करते हैं येलो बाइल की, यानी कि पीले पित्त प्रधान लोग, ठीक है, यानी जिनमें पीले पित्त की प्रधानता होती है वो व्यक्ति थोड़े से गुस्सैल किस्म के होते हैं। यानी कि इनका स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा होता है, ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इनको छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आती है। ये क्रोधित स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं जिन व्यक्तियों में येलो बाइल यानी कि पीले पित्त की प्रधानता होती है। तो इस तरीके के लोग गुस्सैल और चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं। यानी कि जितने भी गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग येलो बाइल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों में काले पित्त की प्रधानता होती है, तो जिन व्यक्तियों में काले पित्त की प्रधानता होती है वो बहुत ज़्यादा उदासीन और मंदिप नज़र आते हैं। यानी कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो उदास रहते हैं, उदास और मंदिप, यानी कि इनमें थोड़ा सा किसी भी चीज़ की कॉन्फिडेंस की कमी होती है या उत्साह की कमी होती है। इस टाइप के लोग जो ब्लैक बाइल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको उदासीन प्रकृति के प्राणी भी कहा जाता है। जो आपके ब्लैक बाइल के लोग होंगे वो उदासीन प्रकृति के अंतर्गत आएंगे, ठीक। उसके बाद आपका आता है फ्लेम। जो फ्लेम टाइप के व्यक्ति होते हैं ये स्वभाव से बहुत ही शांत होते हैं और
ये विरक्त प्रकृति के लोग होते हैं, यानी कि इनको संसार से, लोगों से, समाज से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे जो कवि लोग होते हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो हर वक्त अपने कुछ लिखने के बारे में, कविताएं बनाने के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और बहुत ही उनका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही शांत प्रकृति का होता है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो आपके फ्लेम टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। तो और इसमें अगर हम हिंदी की बात करें इसकी, तो इसको कफ या श्लेष्मा कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लेम टाइप के आपके जो आएंगे वो कफ या श्लेष्मा के अंतर्गत आएंगे। तो कफ या श्लेष्मा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शांत और विरक्त स्वभाव के होते हैं। इसी कारण जो ये व्यक्ति होते हैं इनको विरक्त प्राणी भी कहा जाता है, या विरक्त स्वभाव के व्यक्ति भी कहा जाता है। तो ये हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग थे, आशावादी, उदास या मंदिर, यानी ये जो आपके आ जाएंगे ये निराशावादी में आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, ये बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। तो ये वाले आपके आ जाएंगे निराशावादी में, ये आ जाएंगे आपके आशावादी में, ये आ जाएंगे आपके गुस्सैल में, और फ्लेम वाले आ जाएंगे आपके विरक्त प्राणी के अंतर्गत। तो ये था आपका हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें इनके अलावा कि और किन किन टाइप्स के पर्सनैलिटी के वर्गीकरण हैं या कितने और प्रकार हैं, तो उसके लिए हमें आगे चलना होगा। आगे व्यक्तित्व के प्रकारों को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वर्गीकरण यहाँ पर आपके लिख रखे हैं कि किन के अकॉर्डिंग आपके व्यक्तित्व को बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या व्यक्तित्व के प्रकार आपके दिए हुए हैं, कि किन आधारों पर आपके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, सेकेंड आपका आता है शरीर गठन के आधार पर कि आपका शरीर किस तरीके का है, थर्ड आपका आता है आयुर्वेद के आधार पर कि आयुर्वेद में व्यक्तित्व को किस हिसाब से बांटा गया है, फिर फोर्थ आपका आता है सांख्य दर्शन के आधार पर, और फिफ्थ आपका आता है समाज शास्त्रीय गुणों के आधार पर। उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक देने की और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने की, और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी, और ये जितना मैं डीप आपको पढ़ा रही हूँ शायद आपको अभी तक कहीं नहीं मिला होगा। तो प्लीज़ अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कि आखिर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कैसे व्यक्तित्व को बांटा गया। हम एक एक करके इन सारी हेडिंग्स को समझते चले जाएंगे और मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और किससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है और कहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक। पहले इसको समझ लेते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर अगर बात की जाती है तो यहाँ पर आपके जो वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक थे तो गिलफोर्ड आते हैं आपके, आपके युंग आते हैं और आईजैक आते हैं। ये तीन मनोवैज्ञानिक आपके मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए, युंग, आईजैक और गिलफोर्ड, ठीक। मनोवैज्ञानिक गुणों की अगर बात की जाए तो युंग ने आपके जो व्यक्तित्व है उसको तीन भागों में बांटा है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, इन तीन को, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। चलिए इनको समझ लेते हैं कि ये तीन क्या प्रकार हैं और कैसे हैं, यानी इनमें आने वाले व्यक्ति किन किन प्रकारों के अंतर्गत और किस किस स्वभाव के होते हैं। सबसे पहले आता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उसके बाद उभयमुखी। समझेंगे हम बहिर्मुखी को। बहिर्मुखी, जैसा कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहिर्मुखी यानी कि अपनी बात को बहुत जल्दी कहने वाले, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज, स्वभाव के बहुत ही चंचल, यानी ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो किसी बात को अपने मन में नहीं रखते हैं, हर बात जो इनके मन में आई वो इनको कहना ही कहना होता है, इसीलिए ये लोग अच्छे स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि इस तरीके के व्यक्तियों की बात कई बार लोगों को बुरी लग जाती है, लेकिन ये व्यक्ति वाकई में
देखा जाए तो बहुत अच्छी श्रेणी में आते हैं। यानी ये अपनी बात को सामने वाले को सीधे कह देते हैं, अपनी बात को खुद कहना पसंद करते हैं। ये किसी भी तरीके की बात को घुमा फिरा कर कहना या किसी अन्य माध्यम से किसी को पहुंचाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं। इन्हें जो कहना होता है ये किसी भी व्यक्ति के सामने बात करते हैं। खुले विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति होते हैं। किसी भी बात को इनको मन में नहीं रखना होता है, यानी कि ये खुशमिजाज हो गए, आशावादी। और हाँ, ये वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको किस श्रेणी में, अगर श्रेणी की बात की जाए, क्योंकि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो युंग ने वर्गीकरण किया है उसमें जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको येलो बाइल और ब्लैक बाइल में बताया था कि किसको आशावादी किसको निराशावादी कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार तो वही हैं, चीज़ें वही हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिस अकॉर्डिंग बांटा है हमें उस अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो आशावादी निराशावादी युंग के अंतर्गत भी आ जाते हैं, युंग ने भी ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन किसको बताया है तो उन्होंने बहिर्मुखी बोल दिया है और इसको ही उन्होंने आशावादी कहा है। क्योंकि ये व्यक्ति अपनी बात डायरेक्ट बोल देते हैं, अपने मन में किसी बात को नहीं रखते हैं, हर बात के बारे में विचार करते हैं, हर पहलू को समझते हैं, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं। इसलिए ये हर बात को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेते हैं, यानी इनकी हर बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाती है। ये बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि ये कभी निगेटिव सोचें, जल्दी निगेटिविटी इनके अंदर आती ही नहीं है, ये किसी बात को निगेटिव नहीं लेते हैं। तो बहिर्मुखी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं इनको आशावादी व्यक्ति भी कहा जाता है। ये आप ज़रूर याद रखें। और ये भी याद रखें कि जो वर्गीकरण है आपका, आपके ऑप्शंस में आ सकता है कि युंग ने किसके अकॉर्डिंग बांटा है, तो फिर आपका वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तो आपको उसको टिक करना होगा। या फिर अगर आपको ये दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्गीकरण किसने किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो वहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि ये युंग के अकॉर्डिंग इसका आपका वर्गीकरण किया गया है। ये विचारों और भावनाओं को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर देते हैं। ठीक, अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स भी देखना ज़रूरी है, तो इसमें किस तरीके के व्यक्ति आएंगे? इसमें आपके व्यक्ति आ जाएंगे जो आपके नेता होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो आपके बहिर्मुखी में आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नेता होता है वो भी ज़्यादा बात करता है, सामाजिक होता है, समाज में रहता है। व्यापारी जो होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि अगर वो अपने व्यापार में बात नहीं करेगा, अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेगा, तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं वो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन को जब उल्टा या घुमाकर पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेता, व्यापारी, सामाजिक व्यक्ति आदि किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका जो आ रहा है, सेकंड पॉइंट, उसमें है आपका अंतर्मुखी। ये तो आपका बहिर्मुखी हो गया, बात करेंगे अब हम अंतर्मुखी की। तो अंतर्मुखी में क्या होता है? अंतर्मुखी मन में ही अपनी बात रखने वाले अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। यानी ये व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर आप कह सकते हैं कि निराश रहते हैं, इनको निराशावादी की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें किसी से बात करना, मिलना जुलना, समाज में उठना बैठना, आना जाना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रह के किसी चीज़ के बारे में चिंतन मनन करना, सोचना, किताबें पढ़ना, गाने सुनना, इस तरीके के शौक़ लोगों के हो सकते हैं। यानी कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो कई बार अपनी बातों को सामने वाले से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, बातों को अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कोई गुण नहीं होता, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है, इनकी चिंतन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, हर कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन बस इनका स्वभाव इस तरीके का होता है कि ये अपनी बातों को जल्दी नहीं कह पाते, या ये समाज में रहना या सामाजिक होना या लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। ये हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है आपको ग्रुप में बैठना पसंद हो लेकिन आपके किसी फ्रेंड को ग्रुप में बैठना पसंद नहीं हो, वो अकेले ही अपनी स्टडी करता रहता हो या कोई चीज़ काम करता रहता हो। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। उनको लगता है कि हम अगर कहीं पर भी जाकर बैठते हैं या बात करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। वो हर वक्त अपना काम करते रहते हैं, अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें अगर गुण की बात की जाए, अगर मैं
मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप करूँ कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनमें किस प्रकार का गुण पाया जाता है, बता सकते हैं? तो इसका आंसर आपका अगर एक वर्ड में आपको देना है कहीं से भी, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं कि इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? इनमें अगर हम एक वर्ड की बात करें तो इनमें आत्मकेंद्रिता का गुण जो है वो पाया जाता है। यानी ये आत्मकेंद्रित होते हैं, खुद पर ध्यान देने वाले, इन्हें दुनिया से, संसार से, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो इनमें किस तरीके का गुण पाया जाता है? आत्मकेंद्रिता। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ठीक है? तो इनमें क्या है, आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है। ये जो होते हैं लोग, ये पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले, पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, यानी कि धर्म को मानने वाले, और बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं। जो बहिर्मुखी टाइप के लोग होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि फीलिंग्स इतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रांग नहीं होती हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और इनके लिए फीलिंग्स के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इस तरीके के लोग होते हैं कि अगर एक बार किसी से जुड़ जाते हैं तो ये ज़िंदगी भर उससे जुड़े रहते हैं, इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, मतलब ये हमेशा, और ये बहुत ज़्यादा फेथफुल भी होते हैं। जो आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स को, भावनाओं को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं और फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं। तो इस तरीके के लोग हमेशा आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात कर लूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, चिंतन, मनन, सोचना, अपने में व्यस्त रहना, तो कौन से लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आप कहाँ तक सोच सकते हैं? इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे, मैं बता देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आपके कवि बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बाद कोई एक कविता लिखते हैं, कोई लेखक है अगर उसने कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखी है, उपन्यास लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसके लिए उसको कितना ज़्यादा सोचना होता है। तो यानी कि जो कवि है, लेखक है, जिनको सोचना होता है, वो सारे लोग आपके आ जाएंगे किसके अंतर्गत, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत। उसके बाद कोई भी रचनाकार है, कोई रचनाकार है अगर आपका, जो रचनाएं करता है, वो आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर एक और इसका एग्जाम्पल है दार्शनिक, जो दार्शनिक प्रकृति के लोग होते हैं, यानी कि जिसमें आप ले सकते हैं आपके अरस्तु, प्लेटो, ये सब जो थे, तो वो आपके सब आ जाएंगे किसमें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड पॉइंट की, यानी कि उभयमुखी व्यक्तित्व की। उभयमुखी, उभय मीन्स क्या होता है, दोनों, उभय मीन्स दोनों, यानी जिसमें बहिर्मुखी के भी गुण पाए जाएं और जिसमें अंतर्मुखी के भी गुण पाए जाएं, तो वो आपके उभयमुखी में आ जाएगा। यानी कि ये आपका बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों का ही मिश्रण होता है, या दोनों का ही योग होता है। सबसे ज़्यादा मस्त मौला, सबसे ज़्यादा अच्छे लोग यही माने जाते हैं, क्योंकि ना तो बहिर्मुखी की अगर बात की जाए तो आप लोग बोल देंगे बहुत मुँहफट किस्म का आदमी है, वो भी हो सकता है कि आपने जो बात उसको डायरेक्ट बोल दी बुरी लग जाए। या अंतर्मुखी है तो आप कहेंगे यार बहुत ही ज़्यादा, ये तो अपने में ही रहता है, कोई बात ही नहीं बोलता है, कुछ करता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, इसकी तो दुनिया ही अलग है, इस तरीके का आप बोल देते हो, तो ये अंतर्मुखी में आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है आपको पसंद ना, ये भी आपको। लेकिन जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, ये लोग सबको बहुत पसंद आते हैं, और इन्हें भी सब लोग बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि में इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये सामाजिक भी होते हैं, और जब इन्हें अकेले रहना होता है तो ये अकेले भी रह लेते हैं, ये हर किसी से बात कर लेते हैं, किसी भी तरीके के समाज में ये बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, इन्हें कहीं पर भी एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैसा भी समाज हो, कैसे भी लोग हों, कैसा भी समय हो, ये बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। कौन सी बात कहाँ बोलनी है, कौन सी बात कहाँ नहीं बोलनी है, ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होती हैं। ये इतनी जल्दी अपने आप को हर चीज़ में फिट कर लेते हैं कि इन्हें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती, और साथ में जब इन्हें दिक्कत नहीं होती तो इनके साथ वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग उभयमुखी के अंतर्गत ही आते हैं, यानी इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया है बहिर्मुखी में या अंतर्मुखी में, और अभी जो मैंने आपको उभयमुखी में बताया, अगर आप इन सब चीज़ों को ले लेते हैं तो आपका उभयमुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो बन जाता है। तो इसमें जो होते हैं कि मतलब गुण, अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन लूँ
कि उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण या सबसे अच्छा गुण कौन सा है। तो इनका सबसे अच्छा, मैंने क्या बताया आपको, एडजस्टमेंट। ये बहुत जल्दी कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो एडजस्टमेंट का जो इनका गुण है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुण है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो उभयमुखी टाइप के लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुण कौन सा है, तो आपकी हिंदी यहाँ पर आएगी समायोजन। ठीक है, समायोजन का गुण जो होता है वो सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो समायोजन की प्रकृति इनके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये सबसे बड़ा गुण हो जाता है उभयमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति का। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका युंग के अकॉर्डिंग आपका वर्गीकरण था। ठीक है, ये आपका युंग के अकॉर्डिंग था और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर आपके ये तीन थे। तो ये हमने डिस्कस किए मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है और उसके अंतर्गत किस किस तरीके के प्राणी या किस स्वभाव या किस व्यक्तित्व के लोग आते हैं, ये हमने पढ़ा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो चार पॉइंट्स आपके बचे हुए हैं या चार प्रकार के वर्गीकरण जो बचे हुए हैं, यानी कि शरीर गठन के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर और समाज शास्त्रीय गुणों के आधार पर, इनके अंतर्गत भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम इन चारों के बारे में समझेंगे कि इन चारों में क्या क्या है और इन चारों के अंतर्गत जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति आते हैं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इसके एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका एक भी पार्ट मिस कर दिया तो पर्सनैलिटी टॉपिक आपका पूरा चला जाएगा। इसलिए अगर आप पर्सनैलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टडी फॉर्मल के पार्ट वन से लेकर और लास्ट तक के जितने भी पार्ट पर्सनैलिटी के बनते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा। पर्सनैलिटी आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, ऐसा मेरा वादा है। इसके जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी नोट्स हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल रहे हैं और इसको पाने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर यानी कि 9496369356 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। जो भी नोट्स हैं या स्पेशल ग्रुप से जुड़ने की जो भी प्रक्रिया है आपको कॉल के माध्यम से बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए नमस्कार।